ऊना के मलाहत के लिए स्वीकृत पीजीआई सैटेलाइट सेंटर तक रोड निर्माण के लिए ली गई निजी भूमि का कब्जा भी प्रशासन ने पीजीआई सैटेलाइट की टीम को सौंप दिया है। मंगलवार को डॉक्टर अरुण आलोक चतुर्वेदी की अगुवाई में पीजीआई सैटेलाइट की टीम मलाहत पहुंची, जहां टीम ने जमीन का निरीक्षण किया, साथ ही अन्य औपचारिकताएं भी पूरी की। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि जल्द ही पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण के लिए अन्य औपचारिकताएं भी पूरी कर ली जाएंगी ताकि निर्माण कार्य शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि रोड के लिए जमीन का कब्जा लिया गया है। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के इस रोड निर्माण के लिए प्रशासन की ओर से करीब 55 लाख में निजी भूमि खरीदी गई है, जिसके चलते अब यहां 24 मीटर चौड़ा और 171 मीटर लंबा रोड बनेगा। इससे पहले पीजीआई सैटेलाइट की टीम को प्रशासन की ओर से करीब 402 कनाल भूमि का कब्जा सौंपा गया है, जिससे अब जल्द ही पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास होने की उम्मीद है। हमने आज जो हायर, पहले तो जमीन आ गया था, इस बार हमारा रास्ता बन गया, जो रास्ता एक्वायर हो चुकी है, सो आगे से ये पीजीआई सैटेलाइट सेंटर बनेगा। ये कब से शुरू हो जाएगा जी? ये अभी तो जो जो पहले सॉइल टेस्टिंग हो गया है, बाकी इनका प्लानिंग वगैरह कम्प्लीट करके आर्किटेक्चरल डिजाइन की कम्प्लीट होके फिर हो जाएगा। चलो, दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से अनिल पटियाल के साथ मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।